India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट साउंड अप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने दी इलाज के लिए ब्लैक फंगस दवा के सीमा शुल्क मुक्त आयात की अनुमति। प्राइवेट व्यक्ति को आयात करने के लिए भरना होगा बॉन्ड। केंद्र के फैसले तक किया जा सकता है ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट। तरुण तेजपाल बरी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को संशोधित करने का दिया निर्देश। पीड़िता की पहचान देने वाले हर विवरण को हटाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजेआई रमन्ना को लिखा पत्र। सुनवाई प्रक्रिया में बदलाव की अपील की। अवकाश पीठों की संख्या बढ़ाने, मौखिक और सूचीबद्ध उल्लेख बहाल करने की भी मांग। हिंदू बनकर शादी रचाने वाली मुस्लिम महिला को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षा देने का दिया आदेश। पुलिस से कहा महिला के जीवन में हस्तक्षेप न करें। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। ब्लैक फंगस के दवाओं को इंपोर्ट करने के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि आपूर्ति कम है और इलाज जरूरी है। ऐसे में केंद्र को कम से कम एक समय के लिए कस्टम ड्यूटी और अन्य टैक्स में छूट पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा के ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट की इजाजत देते हुए कहा कि जब तक केंद्र इस पर फैसला नहीं ले लेता तब तक कोर्ट के आदेश के तहत दवा को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जा सकता है। कोरोना वायरस के संकट के बीच ब्लैक फंगस की चुनौती का देश इस वक्त सामना कर रहा है। ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज के लिए जिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है उन्हें विदेश से भी लाया जा रहा है। इसी मामले पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी। कोर्ट ने अनुमति देते हुए कहा कि जब तक कि केंद्र इस पर निर्णय नहीं ले लेता तब तक कोर्ट के आदेश के तहत ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति करता है तो उसे बॉन्ड देना होगा। इस आदेश को जारी करने से पहले ब्लैक फंगस की दवाओं के इंपोर्ट की ओर हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि केंद्र को फिलहाल के लिए सीमा शुल्क और अन्य शुल्क में छूट पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा इलाज के लिए ये बहुत जरूरी है कि भारत में इसकी आपूर्ति भी कम है और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त दवा पूरे देश में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है, इसलिए हमारा विचार है कि केंद्र सरकार को दवा के आयात शुल्क को कम से कम उस अवधि के लिए पूरी तरह से माफ करने पर विचार करना चाहिए जबकि दवा की आपूर्ति बेहद कम है। भारत में ये दवाएं ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आवश्यक हैं। कोर्ट ने कहा मांग और पूर्ति के बीच अंतर एक घंटे से बढ़ रहा है, इसे युद्ध स्तर पर करना होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि विश्व में कहीं भी ब्लैक फंगस का इंजेक्शन खरीदने से कोई नहीं रोकता है। जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, अगर वो इसे खरीदने के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि दोनों सरकारों के बीच समान स्रोत के लिए प्रतियोगिता होनी चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि ब्लैक फंगस की दवाइयों पर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा क्यों है जबकि यही दवाई जान बचाने के काम में आ रही है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यही दवाइयां इस वक्त लोगों की जान बचा रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को ऐसी दवाइयों पर से कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी हटा देनी चाहिए जब तक देश में इन दवाइयों की कमी है।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक फंगस से जुड़ी दवाइयों को मांगता है तो उसे सिर्फ बॉन्ड देने की जरूरत होगी, किसी तरह की ड्यूटी नहीं। ब्लैक फंगस की बीमारी में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की अभी भारत में कमी है, ऐसे में इसे बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है। अभी अमेरिका ने भी इसी मोर्चे में भारत की मदद की बात कही है, वहीं भारत में इसके प्रोडक्शन पर भी फोकस किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। यौन उत्पीड़न मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस एससी गुप्ते की बेंच के सामने हुई। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसले से पीड़िता की पहचान देने वाले किसी भी विवरण को हटाने के लिए कहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा अवकाश पीठ ने तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई कर रहे जिला एवं सत्र न्यायालय को अपनी वेबसाइट पर बरी करने के आदेश को अपलोड करते समय पीड़िता की पहचान के संदर्भों को संशोधित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एससी गुप्ते के एकल पीठ ने राज्य को 21 मई के बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील के आधार को संशोधित करने के लिए 3 दिन का समय दिया है, जिसकी कॉपी 25 मई को उपलब्ध कराई गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के अवकाश पीठ ने 2013 के बलात्कार मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल को बरी करने के खिलाफ गोवा सरकार की अपील पर सुनवाई की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाईकोर्ट में गोवा सरकार की ओर से पेश हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा कोर्ट को पढ़ा और कहा कि इसकी कुछ टिप्पणियां आश्चर्यजनक है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फैसले से पीड़िता की पहचान का भी खुलासा होता है। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न केस में पीड़ितों की पहचान का खुलासा करना एक आपराधिक अपराध है। हाईकोर्ट ने कहा कि वे निचली अदालत से फैसले में उन सभी हिस्सों को संशोधित करने के लिए कहेगा जहां पीड़ित की पहचान का खुलासा किया गया है। पीड़ित की पहचान का खुलासा करने वाले सभी संदर्भों को फैसले से दूर करने का निर्देश दिया। फैसले में पीड़िता की मां का नाम, पीड़िता के पिता का नाम और पीड़िता के ईमेल का खुलासा हुआ। तुषार मेहता ने कहा कि ये दुखद है कि निचली अदालत इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील नहीं थी। राज्य के वकील ने ये भी बताया कि एक पैराग्राफ में पीड़िता की मां का नाम का जिक्र भी किया है। SJI मेहता ने कहा कि ये लड़की जो अपने पिता के मित्र द्वारा यौन शोषण का शिकार हुई है ने एक प्रख्यात वकील इंदिरा जयसिंह से संपर्क किया, जिनकी क्षमता, योग्यता और ईमानदारी पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। उसने सही सलाह ली क्योंकि आपको एक वकील के पास जाने की जरूरत है जिस पर आप भरोसा करते हैं। दुर्भाग्य से हमारे भारतीय न्याय शास्त्र में पहली बार अदालत ने रिकॉर्ड किया कि घटनाओं के सिद्धांत की पूरी संभावना है। इस प्रतिष्ठित वकील सिद्धांत के पक्ष में कैसे हो सकते हैं। बेंच ने मामले को स्थगित करते हुए कहा, सॉलिसिटर जनरल ने आदेश को रिकॉर्ड पर रखने और अपील के आधार पर संशोधन करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। इसी के आधार पर हम राज्य को अपील में संशोधन करने के निर्देश देते हैं। अब सुनवाई 2 जून 2021 को होगी। राज्य सरकार ने मंगलवार को गोवा के जिला और सत्र न्यायालय मापुसा द्वारा तेजपाल को सभी आरोपों से बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने CJI रमन्ना को पत्र लिखा है और सुनवाई प्रक्रिया में बदलाव की अपील की है। SCBA ने अवकाश पीठों की संख्या बढ़ाने, मौखिक और सूचीबद्ध उल्लेख बहाल करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने CJI रमन्ना को पत्र लिखकर अवकाश पीठों की संख्या बढ़ाने, छुट्टियों के दौरान आने वाले मामलों की सूची का विस्तार करने और मौखिक और सूचीबद्ध उल्लेख प्रणाली की बहाली का अनुरोध किया है। ये कहते हुए कि शीर्ष अदालत ने कन्वेंशन के अनुसार अवकाश पीठ के प्रमुख एक अवकाश न्यायाधीश मामलों की सूची के संबंध में CJI की शक्ति का प्रयोग किया है, सिंह ने CJI के उस परंपरा के अनुसार अवकाश पीठ की स्थिति को बहाल करने का भी अनुरोध किया। सिंह के अनुसार कन्वेंशन के अनुसार अवकाश पीठ ने केवल जरूरी मुद्दों को उठाया और दूसरे पीठ के समक्ष आंशिक सुनवाई वाले मामलों की सुनवाई शुरू नहीं की। इसके अलावा एक बार अवकाश पीठ द्वारा किसी मामले को सूचीबद्ध करने का न्यायिक आदेश पारित होने के बाद इसे किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्री द्वारा हटाया नहीं जा सकता।
सिंह ने कहा कि अवकाश पीठ के दौरान मामलों की सुनवाई के लिए अपनाई जाने वाली प्रथा हमेशा से ही है। अवकाश न्यायाधीश पीठ ने सभी विशेष पीठों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग किया। एक विशेष मामले की सुनवाई करते समय तत्काल आदेश दिया गया और तत्काल आदेश दिए जाने की आवश्यकता है। सीजीआई के साथ ही अपनी पिछली बैठक का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि ये चर्चा की गई है कि इस साल लंबित मामलों में वृद्धि को देखते हुए अवकाश पीठ की संख्या बढ़ाई जाएगी, जो नहीं किया गया है क्योंकि वर्तमान में केवल दो अवकाश पीठ कार्यरत है। केवल दो अवकाश पीठों के कामकाज के अलावा सिंह ने यह भी बताया कि मंगलवार की कॉज लिस्ट ने आश्चर्यजनक रूप से कहा कि मौखिक उल्लेख की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही अवकाश पीठों के समक्ष उल्लेख करने से मना करने के लिए न्यायालय का अभ्यास कभी नहीं हुआ है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने मंगलवार को कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अति आवश्यक आवेदनों को सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश जारी किए जाएंगे। कई वरिष्ठ वकीलों ने तत्काल गैर सूचीबद्धता के संबंध में शिकायत उठाई। ये छुट्टी के दौरान मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जमानत आवेदनों में सरकारी अधिवक्ता अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता को समय पर निर्देश प्रदान करने में पुलिस अधिकारियों की विफलता के कारण जमानत आवेदनों की सुनवाई में देरी होती है और अक्सर जेल में एक आरोपी को अनुचित तरीके से कैद किया जाता है। इसीलिए जस्टिस अजय भनोट की एकल पीठ ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट के समक्ष जमानत आवेदनों में जीए एजीए को निर्देश देने के लिए एक निष्पक्ष पारदर्शी और स्पष्ट प्रक्रिया बनाई जाए। आदेश में कहा गया कि प्रक्रिया 8 सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार की जाएगी और इसमें अधिकारियों का पदनाम, उनके द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कार्य या कर्तव्य और इस तरह के उद्देश्य के लिए एक निश्चित समय सीमा शामिल होगी। जिम्मेदार अधिकारियों को उक्त प्रक्रिया और उसमें बताई गई समय सीमा का पालन करने में विफलताओं के लिए जवाबदेह होना चाहिए। साहिल नामक एक व्यक्ति की जमानत याचिका के संबंध में एजीए को निर्देश देने में पुलिस अधिकारियों की विफलता के मद्देनजर ये टिप्पणी की गई। नतीजतन एजीए अदालत के समक्ष पूर्ण और उचित तथ्य पेश करने की स्थिति में नहीं थे और जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। पीठ ने कहा कि सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय को जमानत आवेदनों की अग्रिम सूचना देने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिकारी अभियोजन सरकारी अधिवक्ता को मामले में समय पर निर्देश प्रस्तुत करने में सक्षम हो। एक आरोपी के जमानत आवेदन पर अदालत द्वारा उचित समय में सुनवाई करने का अधिकार संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में निहित है। ये अनुच्छेद 21 द्वारा दिया गया अधिकार है। शिवम शर्मा अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम जी, जानना चाहेंगे आपसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर उचित समय में सुनवाई करवाने पर क्या टिप्पणी की है और क्या निर्देश दिए हैं, हमें तफसील से बताएं। देखिए, इस मामले में जस्टिस अजय भनोट की एकल पीठ ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि समक्ष जमानत आवेदनों में ये निर्देश देने के लिए एक निश्चित आदर्शी स्पष्ट प्रक्रिया बनाई जाए। देश को कहा गया कि प्रक्रिया 8 सप्ताह के अवधि के भीतर तैयार की जाएगी और चुनाव अधिकारियों का पदनाम, उनके द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कार्य और इस तरह के उद्देश्य के लिए जी, बहुत शुक्रिया आपका शिवम जी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस के डीसीपी को अपराध जांच एजेंसी भटिंडा के एक पुलिसकर्मी के खिलाफ 38 वर्षीय महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्य महिला SIT गठित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा के खंडपीठ ने पहले से गठित SIT को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई महिला पुलिस अधिकारी नहीं है और ये देखते हुए एक नई 3 सदस्य महिला SIT गठित करने का निर्देश दिया गया है।
बेंच ने कहा कि संवेदनशील जांच की प्रकृति को देखते हुए भी कहा है कि कोई भी महिला पुलिस अधिकारी शामिल नहीं है, जबकि इस तरह के मामलों में कानून के तहत महिला पुलिस अधिकारी होना आवश्यक है। इस तरह की असंवेदनशीलता को देखना बेहद निराशाजनक है, जिसमें जिला पुलिस अधिकारियों ने सभी पुरुष सदस्यों वाली SIT गठित करके कार्रवाई की है। मामले का तथ्य याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि 38 वर्षीय विधवा महिला के बेटे COVID-19 संक्रमण से पीड़ित था। जब विधवा के यौन संबंध बनाने के से इनकार कर दिया तो उसके बेटे को घर से CIA के पुलिस अधिकारियों ने दिन के उजाले में 6 मई 2021 को सुबह उठाकर ले गए। याचिकाकर्ता ने कहा कि इसके बाद ही उसके बेटे के खिलाफ प्रतिबंधित पदार्थ का उपयोग का आरोप लगाकर NDPS अधिनियम के तहत एक झूठी FIR दर्ज की गई थी, ताकि याचिकाकर्ता उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाए। आखिरकार अपने बेटे को रिहा कराने के दबाव में CIA स्टाफ की यौन संबंध बनाने के मांगों के सामने झुक गई। याचिकाकर्ता ने अपने आरोपों की पुष्टि करने के लिए उसने एक पेन ड्राइव भी प्रस्तुत की है, जिसमें उसकी और एक ASI के बीच रिकॉर्ड की गई बातचीत के साथ साथ उसके बलात्कार के आरोपों के समर्थन में कुछ लाइव वीडियो क्लिपिंग भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि सच्चाई तभी सामने आएगी जब कानून के अनुसार मामले की उचित जांच हो। राज्य के वकील ने तर्क दिया कि तथ्य काल्पनिक है और वास्तव में विधवा महिला ने जाल बिछाया है और ऐसे में वही इसमें वो खुद फंस गई है। अदालत ने पुलिस महानिदेशक को एक नई SIT गठित करने का निर्देश भी दिया है। इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरप्रीत देव करेंगी और अन्य दो सदस्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डी सुधा विजी और श्री मुक्तसर साहिब और पुलिस उपाधीक्षक प्रभजोत कौर बुडलाडा मानसा उनकी सहायता करेंगी। एक महत्वपूर्ण अवलोकन में झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह लॉकडाउन के दौरान ई पास की आवश्यकता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जनहित याचिका का मतलब ये नहीं है कि जो दिलचस्प है, जैसे कि संतुष्टिदायक, जिज्ञासा या जानकारी से प्यार या मनोरंजन, बल्कि वह है जिसमें समुदाय के एक वर्ग का आर्थिक हित जुड़ा हो या फिर कुछ ऐसा हित हो जिससे उनके कानूनी अधिकार या देनदारियां प्रभावित होती है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के खंडपीठ ने कहा कि कोरोना के मामलों में तीव्र वृद्धि के कारण यदि ऐसी स्थिति में झारखंड राज्य द्वारा समय समय पर समीक्षा करके कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं तो उनको अनुचित और मनमाना नहीं कहा जा सकता। रिट याचिकाकर्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसके अनुसार झारखंड राज्य ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 18(2) के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों के तहत दिशा निर्देश के रूप में विभिन्न आदेश जारी किए थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकारी आदेश के तहत निजी वाहन से किसी भी तरह की आवाजाही करने के लिए एक व्यक्ति को ई पास, वैध फोटो पहचान पत्र और हवाई रेल यात्रा से संबंधित मामले में वैध टिकट साथ रखना होगा। दिशा निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया कि चिकित्सा उद्देश्य से संबंधित आवाजाही के लिए या अंतिम संस्कार से संबंधित आवाजाही के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा ये प्रावधान भी किया गया है कि निजी वाहन या टैक्सी द्वारा राज्य में सभी आवाजाही की अनुमति केवल ई पास से होगी। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने शुरुआत में राज्य के एक सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था और उसके बाद स्थिति की समीक्षा करने के बाद इसे समय समय पर बढ़ा दिया गया। जब सरकार को ये पता चला कि कोरोना के रोगियों की मृत्यु की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो अगर ऐसी स्थिति में लोगों की मुक्त आवाजाही पर रोक लगाने के लिए कुछ शर्तें लगाई गई है तो इसे अनुचित और मनमाना नहीं कहा जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू धर्म अपनाने वाली हिंदू रीति रिवाज के साथ और इसके अनुसार ही एक पुरुष से शादी करने वाली एक मुस्लिम महिला को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जे मुनीर के खंडपीठ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि स्थानीय पुलिस याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कहकशा और उसके पति को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कहकशा ने हिंदू धर्म में गहरी आस्था होने के चलते धर्म परिवर्तन कर अपना नाम यती
रख लिया और एक हिंदू व्यक्ति से विवाह किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने यति और उसके पति द्वारा दाखिल रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया, जबकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के मुताबिक यति की जन्म तिथि 22 फरवरी 2002 है और इस प्रकार से वह बालिग है। यति ने अपनी इच्छा से विवाह किया है और आपको बता दें कि यही कहा गया कि वो बालिग है और उसने अपनी इच्छा से विवाह किया है और अपने धर्म परिवर्तन के संबंध में 15 अप्रैल 2021 को मेरठ के जिलाधिकारी के पास आवश्यक आवेदन किया और धर्म परिवर्तन के संबंध में सूचना को एक अखबार में प्रकाशित कराया। यति और दूसरे याचिकाकर्ता ने 16 अप्रैल 2021 को हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक मेरठ के आर्य समाज मंदिर में शादी की और उसी दिन विवाह के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन भी किया। हालांकि उनका विवाह अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ है। याचिका के मुताबिक यति के पिता जाहिद अहमद इस शादी से बेहद नाराज है और उन्होंने उसे उसके पति को और उसे जान से मारने की धमकी तक दी है। इस कारण याचिकाकर्ता ने स्थानीय पुलिस में अपनी जान की रक्षा का अनुरोध किया है। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा है कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मेरठ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से जाहिद अहमद को नोटिस जारी किया जाए और सुनवाई की अगली तारीख 23 जून 2021 को इसकी रिपोर्ट अदालत को दी जाए। यही नहीं, न्यायमूर्ति ने कहा कि हाईकोर्ट के अगले आदेश तक मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ताओं को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए जाते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।